अब मेरे साहब निकालने का यहाँ का लिखा है लेकिन ठीक नहीं बिल्कुल ठीक। इस वेले मेरा एक्सरे नहीं हो सका, तीन बजे पूछी मैं जिस दुराजे में जा रहे थे दौड़ा जाए नड़ पुलिस ले गया, बोले साढ़े नब्बे बोले ऐसे बकरे हो। अब हम तो एसपी पी पॉस जा रहे हो, देखते हैं क्या बोलते हो, उन्हें करना नहीं करना तो कुछ और सोचते हैं। मैं ले रहे हो ये लड़का है अंदर कमरा रूम अंदर सो गया हम, फिर आवाज़ सुनिए बाहर निकल जाए मतलब गुस्से मारने शुरू कर दिया, बोले मतलब उन्होंने दर्द दूर पी रखी थी नहीं अपना आप नहीं मार रहे थे वैसे ना तो जाना पड़ेगा एमरजेंसी कोटा हॉस्पिटल। चौकी वाले चले गए अपने अपने गले हमें चौकी छोड़ दो गाड़ी हमने अपनी की चले गए चौकी, यहाँ आए थे बोले पुलिस वाले साथ में लाना चाहिए आपको, पुलिस से बयान तो काम ही नहीं होना आपका। अब देखो हमारे क्या क्या चक्कर है, जब पुलिस वाले को पता भी मारे बगैर नहीं होना तो हमें क्यों परेशान कर रहे हैं। This news is brought to you by Aman Bhala Group of Institute Pathankot. हमीरपुर जिला के भोटा कस्बे के साथ लगते करेर इलाके में ढाबा चलाने वाले 70 साल के बुजुर्ग पर करीब एक दर्जन युवकों ने बुधवार रात करीब 12 बजे खाना न मिलने को लेकर गुस्से में आकर हमला करके उन्हें बुरी तरह से लहूलुहान कर दिया। इस घटना में बुजुर्ग की बाजू टूट गई है, उनकी पीठ पर भी डंडों से पिटाई करने के निशान पड़ गए हैं। घटना के बाद पीड़ित ने भोटा पुलिस चौकी में सूचना दी, लेकिन पुलिस काफी देर बाद घटनास्थल पर पहुंची। पीड़ित सीताराम ने बताया तीन चार युवकों ने उनके साथ मारपिटाई की और उसके थोड़ी देर बाद एक गाड़ी में करीब एक दर्जन और युवक वहां आए और उन्होंने डंडों के साथ उनकी पिटाई शुरू कर दी। इस घटना में उनकी पीठ पर चोटें आई हैं। जैसे गुंगलू हार इस साइड के बंदर के आगे उनको जानते पहचानते थे हम। अच्छा, ऐसे नहीं कि नए और रोटी खिला देते, हमारा खाना खत्म है, ओवर टाइम हो गया है, ऐसा गलत भी मार पाता थोड़ा मिले नौकरी के निशान उसके। उन्होंने इसी चलते हुए कि हमें खाना नहीं दिया, उन्होंने और था उसको लगे हुए पत्नी करने, हमने बात खत्म करने के लिए आगे हुए तो हमें मारने स्टार्ट हो गए और फिर था या हम हो गए अध मरे से हो गए। फिर बाजे को देखते तो बंदे उठ नहीं गए, तब जाके वो भागे नहीं तो वो मारते रह गए। इसके बाद बावजूद भी सर हमने 108 कोई फोन किया उनकी, फिर भी सबको पता करा क्या, फिर भी कोई उपचार नहीं मिला अभी तक, एमरजेंसी रिपोर्ट बना के भेजा पर नहीं काम। अब बज रहे 10 बज रहे हैं अभी तक कोई नहीं आया है, और फिर फोन किया तो बोलते 25 मिनट में आ गए। एक बुजुर्ग आदमी को जी 70 साल की उम्र के 17 आदमी इकट्ठे होके आके मार रहे हैं, और तीन चार में हम दो बंदे थे। अब वो बोलते हैं हम कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, देखो ये आज के टाइम कांग्रेस प्रवक्ता की हमने बनाए और क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम नरेश शर्मा है। नरेश जी क्या हुआ है आपके साथ? सर हमारे ढाबे में कल रात को झगड़ा हुआ ना जी, उसके बाद हमने रिपोर्ट की थी तो पुलिस वाले आए, उन्होंने हमें फर्स्ट रिपोर्ट में दी और हमें बोटा से मेरा रेफर हुआ ही हम अमेरिका के लिए, और हम यहाँ आ चुके आ गए हैं हमीरपुर में, तो यहाँ पर हमारा प्रशासन कोई साथ नहीं दे रहा है। हम एक दरवाजे से उठा के बोल रहे हैं ये सुबह होगा ये कल होगा और पुलिस होगी तभी होगा, ऐसे नहीं होगा भाई, बिना पुलिस के कुछ भी नहीं होगा, अभी स्टाफ नहीं है कुछ नहीं है, और ये अगर पुलिस होगी तभी होगा आप जा सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ सीरियस है, इनकी हालत ख़राब, चक्कर आ रहे हैं, बोले हमारे मुँह मत लगो आप आगे जाओ। तो प्रशासन से मैं यही शिकायत है कि एक 70 साल का बुजुर्ग उनके सामने गिड़गिड़ा रहा है और वो बोल रहे हैं कि आप आगे जाओ, हम कहाँ जाएं, अब आप बताएं हम कहाँ जाएं। अब देखते हैं एसपी के पास जाते हैं या डीसी के पास जाते हैं। हमने 10 फोन कर दिए सुबह से, सुबह के 5 बजे से कर रहे हैं, कोई नहीं आता है, बोलते हैं अभी आगे आता कोई नहीं है। फिर हम बोलते हैं सर आए नहीं आप, बोलते हैं हम तो दो तीन ही बंदे हैं यार, हम कैसे आ जाएंगे, आएंगे बोल रहे हैं, ऊपर से रोब मार रहे हैं। हमारा देखो सर बुजुर्ग आदमी 70 साल के हैं, अगर इनको कुछ हो जाता है तो हम कहीं के जाएंगे, जो लड़ाई झगड़ा वो तो बाद की बात है, पहले इनका ट्रीटमेंट तो हो, अभी तक ट्रीटमेंट नहीं हुआ, हम इमरजेंसी केस में आ चुके हैं यहाँ पर, और ना हमें बेड है ना हमें ट्रीटमेंट है, कुछ भी नहीं है। बोलते हैं एक्सरे होगा तभी आपका काम होगा, वो भी आप पुलिस केस है, अगर पुलिस होगी तभी होगा ये कार्रवाई, ऐसी कार्रवाई नहीं होगी। ठीक
सीताराम जी, क्या हुआ आपके साथ? मैं ढाबा चलाता नहीं करियर में, और रात को 12:30 बजे उसको क्लोज कर रहा था, और क्लोज करने के बाद जब लगा क्लोज करने, तो 3-4 लड़के आए, उन्हें बल्कि आते थे पहले भी, अंकल जी नमस्ते उससे बोले भी, ये बोले हमने खाना खाना है, मैंने खाना ख़त्म हो गया, वो बोले नहीं हम एडी दूर से आए, हमने तो खाना खाना ही है, वो माँ बहन निकाल लेते करके, फिर मैं ले रहे ऐसे विषय का ये लड़का है अंदर की कमरे कमरा रूम अंदर सो गया अंदर, फिर आवाज़ सुनिए बाहर निकल जाए, तो कहने के मतलब गुस्से मारने शुरू करते, मतलब बोले मतलब उन्होंने दर्द दूर पी रखी थी नहीं, अपना आप नहीं मार रहे थे वैसे ना, कहने कहने मतलब एक बाइक थी, दो एक कार थी, उसमें आए पहले वो 4 घंटे थे, और 5-7 मिनट बाद दूसरी गाड़ी आई थी, जैसे दूसरी गाड़ी आई तो उसमें उन्होंने नहीं देखा कुछ नहीं, तेने सीधे दौड़े आए थे, डंडे लगे थे था सीधे, जैसे डंगरे मार जैसे पटाई शुरू कर दी हमारे, और 2-4 मिनट से नट गए पटाई करते, ऐसे शोट के छड़ गए भाई, मर गया बुढ़ा भैया, नट ले गए उन्हें गिरा हुआ था, उसके बाद अल्लाह अल्लाह पड़ा, उन्होंने एक मकान मालिक थे, इन्होंने आवाज़ सुनी हुई दूर है थोड़े घर ऊपर से आए, इन्होंने मतलब संभाला आगे पीछे किया, पुलिस को फ़ोन किया, पहले 100 नंबर थे मेरे फ़ोन के, 5-6 कॉल अटेंड नहीं किए कोई, उन्होंने फिर मैं 1100 नंबर पर फ़ोन किया, वो भी अटेंड नहीं किया, उससे बाद 1200 नंबर पर इन्हीं किया लड़के ने फ़ोन, फिर इसको जवाब आया वहाँ से भी, क्या बात है भाई ऐसे ऐसे चल रहे हैं, कहाँ के रहने वाले, पूरा एड्रेस लगाया इसने, उससे बाद 10-15 मिनट बाद पुलिस आई, तो पुलिस वाला बोले आपने वहाँ किया फोन, मेरे जी किया वहाँ जाते हैं कहा लिया तो वहाँ कर दीजिए सुविधा तो आई, ऐसे करने फोन, उसके बाद उन्होंने मतलब डॉक्टर के बोटे ने मतलब जो हमारा तीनों ट्रीटमेंट किया, इंजेक्शन लगाए भी 2-3 तो तेने मेरे चेकअप किया, मेरे जिसम लगा सिर दर्द, सिर में छोई नहीं, हाथ लगी हुआ मेरे इस पसड़ी में बड़े दर्द है, ये लगा सांस लेता दर्द हो रही चक्कर, ये बाजू तो चल नहीं रही ना, तो उन्होंने फिर बोला आपको मेरे को जाना पड़ेगा एमरजेंसी कोटा हॉस्पिटल, फिर चौकी वाले चले गए अपने इतने गले गए, चौकी छोड़ दिए गाड़ी अपने अपनी की चले गए चौकी, यहाँ आए जाए बोले पुलिस वाले साथ में लाना चाहिए आपको, पुलिस से बया तो काम ही नहीं होना आपका, अब देखो हमारे क्या क्या चक्कर है, जब पुलिस वाले को पता भी मारे बगैर नहीं होना तो हमें क्यों परेशान कर रहे हो, हम मेरे साथ निकाल निकल जाने का लिखा इस वे मेरा एक्सीडेंट हो सकता दिव्य हिमाचल टीवी के लिए हमीरपुर से सुरेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट।